कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ कानपुर के 14 सूत्रीय मांग पत्र पर नगर आयुक्त शिव शरप्पा जीएन की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधि मंडल से नगर निगम सभागार में शुक्रवार को 12 बजे से एक वार्ता हुई। वार्ता में मुख्य रूप से संविदा सफाई कर्मचारियों को 230% महंगाई भत्ता दिए जाने पर सहमति बनी। निलंबित कर्मचारियों के शीघ्र बहाली किया जाएगा। मृतक आश्रित के लंबित प्रकरण की कमेटी बन गई है। 4 जून के बाद नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा वार्ता में कहा गया कि सफाई कर्मचारियों के सफाई व्यवस्था का निरीक्षण 9 बजे के बाद किया जाए और भीषण गर्मी को नजर में रखते हुए 10 बजे तक कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाए। वार्ता में कर्मचारियों के मेडिकल अवकाश के भुगतान पर सहमति बनी। स्थायीकरण को तत्काल किए जाने पर सहमति बनी। समस्त लंबित प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर, माली एवं केयर टेकर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का हर महीने की 5 तारीख तक भुगतान किया जाएगा। इस महीने का वेतन जारी कर दिया गया है। अचयनित कर्मचारियों का वेतन आउटसोर्सिंग के बराबर दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक आश्रित को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। द्वितीय श्रेणी लिपिक की परीक्षा का परिणाम शीघ्र जारी होगा। चालक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उनकी पदोन्नति की मांग की गई। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री रमाकांत मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हाँ लग हम बहुत लोगों से अधिक है। हमारा तो एक है कि आया चिल्लाते रहो और जो मिले वो खाते रहो। अगर मान लिया हमारी बातचीत होती नगर आयुक्त से तो बड़ा कोई है नहीं। अगर नहीं मानेंगे तो हम नोटिस देंगे और हमने मन बना लिया है आंदोलन करने का। हम चुनाव आचार संहिता के बाद जो है एक सभा बुलाएंगे कर्मचारियों की और उस सभा के माध्यम से जलूस बना के आयुक्त कानपुर मंडल के यहाँ ज्ञापन देने का काम करेंगे अपनी पूरी बात। क्योंकि अभी नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है इसलिए अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ये भी करें। देखिए ऐसा है कि सरकार से पिछले करीब ये जो स्टेट की सरकार है लगभग 7-8 साल हो गए होंगे इसको। हम लोग पिछले उससे अपने मांग पत्र को दिया और प्रमुख सचिव मुख्य सचिव स्तर से न जाने कितनी बार आए क्योंकि एक भी समस्या का निदान नहीं हुआ। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है वो 15 जून को होने वाली है। हम उसमें बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। हमें आंदोलन करना हो जो कुछ करना हो। अभी पत्रक भी आ गया है, ये लखनऊ से आए हुए हैं, पत्रक लेके आए हैं। हमारा आंदोलन का नोटिस भी दे दिया गया है। ये लखनऊ से आए हैं, ये आंदोलन की हमारी नोटिस दे दी गई। 15 प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उसमें हम बड़े आंदोलन का निर्णय लेंगे। सरकार अब NDA की आवे चाहे किसी की आवे, सबके अपने अपने एजेंडे पर सब लोग चुनाव लड़े हैं। हम तो सरकारी लोग हैं, जो आएगा वही मेरी सरकार, हम उसको स्वीकार करेंगे अपनी। हमारे संगठन की मांग है, हमारा नेतृत्वकर्ता जो है अध्यक्ष हमारे देवी भाव जी, महामंत्री मकान मिश्रा जी, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं हमारे श्री रमाकांत मिश्रा देश के कार्यकारी अध्यक्ष महासंघ के, उनके नेतृत्व में हम सभी संगठन का लोग जो भी वो निर्णय लेंगे कर्मचारी हित में लेंगे। और निश्चित जो 15 जून को जाना है उस 15 जून को जो हमारा प्रदेश नेतृत्व तय कर लेगा उसके अनुसार हम अभी रणनीति बना के कर्मचारियों के बीच जाएंगे। अगर किसी में आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम कर्मचारी यूनियन कर्मचारी अपनी बात को मनवाएंगे सरकार द्वारा। और निश्चित है कि 4 जून के बाद जो भी रिजल्ट आएगा सरकार का, हम एक बार फिर अपनी सरकार से उन कर्मचारी समस्याओं के लिए एक बात मांग करेंगे गठन होने पर। और इसके बाद अगर नहीं कुछ होता है तो जो प्रदेश नेतृत्व तय करेगा उसके नेतृत्व में पूरे संगठन पूरे प्रदेश के काम करेंगे। संगठन में क्या बहुत प्रकार की समस्या हो रही है? संगठन में समस्या नहीं है, समस्या कर्मचारी साथियों की है जो संगठन द्वारा हर होना। और संगठन हमारे जो संगठन वो सरकार तक पहुंचा रहा है। सरकार ने भी इतने दिन हमारा आंदोलन करते भी उस सरकार ने हमारे संगठन कर्मचारी साथियों की मांगों के लेकर एक तरह से नजरअंदाज किया है। क्या मांग? हमारी तो बहुत, एक तो पहली सबसे पुरानी पेंशन बहाली का है,
हमारी जो प्रदेश स्तर की है, सभी देश स्तर की है, और दूसरी हमारे कर्मचारी समस्याओं के लिए लोकल स्तर के शहर अपने कानपुर के मृतक आश्रित वेतन की है, वेतन विसंगतियां हैं, और उससे भी बड़ा हमारा जो सबसे बड़ा जो हमारा जो बना है क्या नाम है 70 साल हो गए निमर हुई सेवा निमर हुई वो अभी तक हमारी प्रख्यात हुई मगर जारी नहीं दी गई, उसमें बड़ा संशोधन हुआ है। मैं चाहता हूँ सरकार बनने के बाद 15 जून के बाद निश्चित हम प्रमुख सचिव का कमीशन लेकर सबसे ज्यादा पुरानी अपनी जो सेवा निमर होनी है उसको प्रख्यापन करने का काम करेंगे। हमारा नेतृत्वकर्ता आदरणीय मकान मिश्रा शशि मिश्रा जी निश्चित 15 जून के बाद प्रदेश में महासंघ एक नई ऊर्जा के साथ आप सबके बीच कर्मचारियों के बीच आएगा, और निश्चित है कि सरकार बनने के बाद हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा के मनवाने का काम जो कर्मचारी हित के लिए होगा उसके लिए हमारा संगठन निरंतर प्रयास कर रहा है। नगर आयुक्त ने संघ के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया कि 4 जून को आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद संगठन से पुनः वार्ता कर लंबित मांगों पर आदेश जारी कर दिया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से अपर नगर आयुक्त आवेश खान, मुख्य वित्त लेखा अधिकारी कृपानंद शुक्ला, मुख्य नगर लेखा परीक्षक इसरार अम्बिया, नगर स्वास्थ्य सरकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, कार्मिक सीपी सिंह एवं संघ की ओर से देवी दीन भाऊ, मुन्ना हजारिया, नीलू निगम, नरेंद्र खन्ना, राजू पवन, राम गोपाल चौधरी, भारत रवि सिंह, शिवशंकर मिश्रा, मुकेश संजय हजारिया, दिग्विजय, सुनील निगम, हिमांशु निगम, हेमंत सिंह, संजय मौर्य, दिनेश गुप्ता के अलावा कई लोग मौजूद रहे। अभिजीत गांगुली, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।